रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां सोनीपत में वकीलों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया है। सोनीपत में वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया गया। रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड कर दिया है। वकीलों ने मेन गेट पर बैठकर रोष जताया है। दुर्व्यवहार के बाद वकीलों ने ये स्टैंड लिया, कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ और वो अपना विरोध जता रहे हैं। दो दिन का वर्क सस्पेंड किया है। वकीलों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। एसोसिएशन ने साफ कर दिया है कि अगर वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया जाएगा तो ये बर्दाश्त से बाहर है। तो रेवाड़ी से बड़ी खबर, जहां सोनीपत में जिस तरीके से वकीलों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड कर दिया और वकीलों ने मेन गेट पर बैठकर रोष जताया है। साफ तौर पर कह दिया है दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ है। वकीलों के साथ दुर्व्यवहार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एसोसिएशन ने साफ कर दिया है। एसोसिएशन का कहना है कि दुर्व्यवहार जो किया गया उसके बाद ये प्रदर्शन, ये विरोध किया जा रहा है और इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त से बाहर का है। रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड किया है। वकीलों ने मेन गेट पर बैठकर रोष जताया है। मेन गेट पर तमाम वकील बैठे हैं और रोष जता रहे हैं। कोई भी वकील कोर्ट में नहीं पेश हुआ है। वकीलों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एसोसिएशन ने भी ये साफ कर दिया है, क्योंकि जिस तरीके से सोनीपत में वकीलों के साथ दुर्व्यवहार का मामला सामने आया था उसके बाद जो पूरा वकील एसोसिएशन है वो नाराज है। रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि वकील अब मेन गेट पर बैठकर रोष जता रहे हैं। उनकी मांग है कि वकीलों को वो सम्मान दिया जाए और ऐसा दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई भी वकील कोर्ट में पेश नहीं हुआ, इससे कहीं ना कहीं आम लोगों पर असर पड़ रहा है, आम लोगों को परेशानी हो रही है। लेकिन एसोसिएशन ने भी साफ कर दिया है कि वकीलों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन ने वर्क सस्पेंड कर दिया, यानी कि कोई भी वकील आज काम नहीं कर रहा है। वकीलों ने मेन गेट पर बैठकर रोष जताया है और रेवाड़ी से संवाददाता राजेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। राजेश, वकीलों के साथ दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, एसोसिएशन ने साफ कह दिया है, अब किस तरीके से विरोध कर रहे हैं, रोष जता रहे हैं वकील? जी नंदी, बिल्कुल बताना चाहूंगा। अगर वकीलों के विरोध की बात करें तो आज वकील पूरी तरह से रोष में है, नाराज है। उनका कहना है कि जिस तरह से आए दिन जो वकीलों के साथ दुर्व्यवहार होते हैं, उनके साथ मारपिटाई होती है, उन पर हमले होते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। वे इस घटना की निंदा करते हैं और साथ ही ये इस बात की चेतावनी भी देते हैं कि आज उन्होंने जो है एक दिन का वर्क सस्पेंड रखा रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन ने। अगर उसके बाद भी अगर ऐसे ही होता रहा, इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो जो आगे भी बड़ा आंदोलन भी कर सकते हैं। बिल्कुल राजेश, लगातार जो वकील हैं वो अपना विरोध जता रहे हैं, कह रहे हैं कि ऐसा दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन इन सबके बाद क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई, क्या कोई आश्वासन उन्हें मिला है? जी देखिए, प्रतिक्रिया की या आश्वासन की कोई बात करें तो अभी इसी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं है आई है। बाकी वकीलों ने आज पूरी तरह से वर्क सस्पेंड रखा है। उनका कहना है कि ना तो वो आज शुक्रवार को किसी तरह कोर्ट में पेश होंगे, ना किसी तरह का कोई केस लेंगे। उन्होंने साफ तौर पर चेतावनी दी है कि जिस तरह पश्चिम बंगाल में अभी वकीलों पर किस तरह हमले हुए थे और बाकी जगहों पर भी जो है वकीलों पर हमले हो रहे हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो सरकार जो है उनकी जो सुरक्षा सुनिश्चित की जाए ताकि वो भी जो है अपना जीवन यापन कर सके। जी, बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए।